भारतीय राष्ट्रपति द्वारा ये कह देना कि वो टैक्स देते हैं, उसके बाद फेसबुक पर, ट्विटर के ऊपर बहुत सारे लोग उनको बहुत कुछ गलत लिखने को तैयार बैठे थे और वो लिखना शुरू कर देते हैं। मेरा बस उनसे यही कहना है कि अगर आप लोग पढ़ लिख लिए होते तो आज घर पर बेरोजगारों की तरह बैठकर बिना ज्ञान के कमेंटबाजी नहीं कर रहे होते। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति जो है वो टैक्स देते हैं और देते भी हैं तो कितना टैक्स देते हैं। अपने दिए गए भाषण में उन्होंने कहा कि उनकी सैलरी 5 लाख में से वो 2.75 लाख यानी 2.75 लाख रुपए वो टैक्स में दे देते हैं, यानी 55 से 60% टैक्स तो वो वैसे ही दे देते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखा देता हूं जहां पर ये अपने भाषण में ये बात बताते हैं कि वो टैक्स देते हैं। अरे जिसने टैक्स दिया है, जो टैक्स देता है, आज यदि मैं कहने को सब जानते हैं इसलिए कहना उसमें कोई बुराई नहीं है। यदि राष्ट्रपति देश का हाईएस्ट पेड एम्प्लॉई है तो वो टैक्स भी तो देता है। हम टैक्स भी देते हैं 2.75 लाख रुपया महीना, लेकिन वो कोई कहेगा कि आपको, लेकिन जो मिलता है उसकी सब चर्चा करते हैं कि आपको तो 5 लाख मिलता है, उसमें से हर महीने 2.75 लाख निकल जाता है, बचा कितना, और जितना बचा उससे अधिक तो हमारे अधिकारी और उन सबको मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रपति को सैलरी कितनी मिलती है। भारतीय राष्ट्रपति को जो सैलरी मिलती है वो भारत की संचित निधि में से दी जाती है। संचित निधि को समझाऊं तो बिल्कुल आसान भाषा के अंदर की ये संचित निधि भारत की एक तरीके से तिजोरी है, जहां पर भारत सरकार जितना भी पैसा आती है वो इस तिजोरी के अंदर रखती है और इसी तिजोरी में से भारत के राष्ट्रपति को तनख्वाह दी जाती है। और इसी संचित निधि के अंदर एक एक्ट है, द प्रेसिडेंट्स एमोलमेंट्स एंड पेंशन एक्ट 1951, जहां पर यह मेंशन है कि जिन इनको कितनी सैलरी मिलेगी, और यहां पर 5 लाख सैलरी जो है वो मेंशन की गई है। और ये 5 लाख सैलरी पहले से नहीं है, ये अभी 2018 से 5 लाख सैलरी देने को हुई है। इससे पहले कितनी सैलरी मिलती थी राष्ट्रपति को, ये आपके सामने आप जो इमेज आ रही है इसमें देख सकते हैं। और अब बात करते हैं कि क्या भारत के राष्ट्रपति टैक्स देते हैं या नहीं देते हैं। तो टैक्स कौन देगा कौन नहीं देगा, ये सारी बातें जो है वो भारत के इनकम टैक्स एक्ट में चीजें लिखी हुई है। द इनकम टैक्स एक्ट 1995 में ये बातें लिखी हुई है, और इसी में एक एग्जेम्प्टेड सेक्शन 10 है जहां पर ये बातें लिखी हुई है कि कौन टैक्स देगा कौन नहीं देगा। और वहां पर कहीं पर भी ये चीजें नहीं लिखी हुई है कि भारत के राष्ट्रपति टैक्स नहीं देंगे, यानी इससे ये बात क्लियर होती है कि भारत के राष्ट्रपति जी जो हैं वो टैक्स देते हैं। पर अब आती है दूसरी बात कि भारत के राष्ट्रपति टैक्स तो देते हैं लेकिन वो कितना टैक्स देते हैं। उसके ऊपर जाने से पहले एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से शेयर करता हूं। देखो कुछ लोग जो है यहां पर एक अलग धारणा बना लेते हैं, जैसे भारत के राष्ट्रपति को मिलने वाले जो भत्ते हैं, जैसे भत्ते कि वो कहीं पर जाते हैं तो उनके जाने के लिए जितना भी खर्च होता है, जो उनके साथ गाड़ियां चलती हैं, जो उनके लिए सेवाएं प्रोवाइड की जाती, तो वहां पर आप देखेंगे तो कुछ लोग अनुमान लगा लेते हैं कि यार सैलरी तो 5 लाख है लेकिन इनके आने जाने में वहां पर सेवाएं प्रोवाइड करने में 40 से 50 लाख रुपए वहां पे लग गया, सैलरी 5 लाख और खर्चा इनके ऊपर सेवाओं के ऊपर 50-60 लाख रुपए खर्चा हो रहा है, तो यार ये चीजें कम क्यों नहीं की जा सकती। ऐसी बातें काफी सारे लोगों के मन में भी आती हैं। तो उन लोगों के एक बात मैं बताना चाहता हूं कि आप जिनके ऊपर खर्च कर रहे हैं वो किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर खर्च नहीं कर रहे, वो भारत के राष्ट्रपति के आप ऊपर उनको सेवाएं प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये सारी चीजें आप अपने गर्व को दिखाने के लिए वहां पर सब चीजें करते हैं, सेवाएं जो जाती हैं वो अपने गर्व को दिखाई जाती हैं। गर्व कैसे कि भैया जो राष्ट्रपति हैं वो हम चुनकर वहां पर भेजते हैं, इनडायरेक्टली ही हम उनको चुनकर वहां, ऐसा नहीं है कि वही कोई भी घराना जो है हम पे राज करता आ रहा है, ये हम डिसाइड करेंगे कि हमारे ऊपर कौन राज करेगा, और वो हमारे द्वारा चुना हुआ व्यक्ति ही वहां पर जाता है, यानी राष्ट्रपति जो है वो हमारे द्वारा ही चुने हुए होते हैं इनडायरेक्टली, और हम ही डिसाइड करते हैं कि हां कौन हमारे ऊपर राज करे। तो ये गर्व की बात है, ये चीजें दिखाती हैं कि भारत एक रिपब्लिक कंट्री है। और अब सेकंड बात के ऊपर आते हैं जहां पर इनकम टैक्स कितना दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, उसके बारे में बात करते हैं। देखो एक इनकम टैक्स देने की जो है वहां पर स्लैब बनी हुई है, अलग अलग स्लैब बनी हुई है कि कितना टैक्स कितना कौन कितना देगा। अब इसके ऊपर मैं पूरी गहराई में से नहीं जाऊंगा कि जैसे कि कोई बुजुर्ग सिटीजन है, सीनियर सिटीजन है, तो वहां पर उसको थोड़ी बहुत छूट दी जाती है, अगर उसने अपना पैसा कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा तो वहां पर थोड़ी बहुत छूट दी जाती है। इन सारी बातों को हटाकर सिंपल सी भाषा में अगर आप लोगों से बात करूं कि अगर भारत के राष्ट्रपति को टैक्स देना हो तो वो कितना टैक्स देते हैं, उनकी सैलरी जो है हर महीने 5 लाख है, आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए 12 से, तो टोटल 60 लाख रुपीज जो है वो हर साल उनकी बनती है, और उस 60 लाख रुपए में से इनको जो टैक्स ना पड़ता वो 18.44 लाख रुपए जो वो टैक्स में चला जाता है, यानी 18.5 लाख रुपए। अब अगर आप इस 18.5 लाख को 12 से डिवाइड करेंगे तो हर महीने जो टैक्स है वो 1.5 लाख रुपए आपके सामने आता है। अब बात जो है ये कि भाई भारत के राष्ट्रपति ने तो कहा था कि वो 2.75 लाख रुपया टैक्स देते हैं, ये 1.5 लाख रुपया ही आया, बाकी का 1.25 लाख रुपया कहां गया, वो कौन सा ये टैक्स दे रहे हैं। तो इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक इमेज जो दिखा रहा हूं उसमें आप देख सकते हैं कि जब भारत में पहली कोरोना की वेव आई थी तब भारत के राष्ट्रपति
राष्ट्रपति ने अपनी ये बात उन्होंने कही थी कि मेरी जरूरतें कम है तो जितना मेरे पास जो मुझे सैलरी मिलती है टैक्स कटने के बाद, इनको 5 लाख रुपया मिलता है हर महीने, इनमें से टैक्स कट जाता है 1.5 लाख रुपया, जो इनके 3.5 लाख रुपया सैलरी बजाती है, उस 3.5 लाख में से भी ये 30% रुपया जो है वो अपना कटवा रहे हैं। ये कहते हुए कि ये जो पैसा है वो आप संचित निधि में रखिए और इनको कोरोना राहत में ही लगा दीजिए। और अब आप सारा टोटल करके देखें तो पूरा पैसा बनता है 2.75 लाख रुपया। अब ये जो चीज इन्होंने कही कि एक अच्छे वे में समझाने के लिए कही थी, ये भाषण में जिन्होंने कहा कि 2.75 लाख रुपया देते हैं वो एक तरीके से एक अच्छा मैसेज कन्वे करने के लिए कहा था कि भी लोगों को ये समझाने के लिए जो टैक्स देते हैं उसी से ये देश चलता है और उसके चलते जो लोग हैं वो ट्रेन बस इनको फूंक देते हैं, तो एक तरीके से वो कोई सरकार का नुकसान नहीं कर रहे, वो खुद का ही नुकसान कर रहे हो क्योंकि वो आपके टैक्स से चीजें बनी हुई है। लेकिन ये बातें कुछ लोगों के समझ में नहीं आती, वो ऊपर से चली जाती है, जैसे कि इन्होंने कहा अपनी बात में कि वो टैक्स देते हैं, ये बात भी लोगों के ऊपर से चलेगी। और हैरानी की बात यह है कि वो भारत के राष्ट्रपति को इस तरीके से मजाक बना रहे हैं कि उनको ये लगता है कि राष्ट्रपति को कुछ आता ही नहीं। और मुझे हैरानी इस बात की होती है कि वो राष्ट्रपति को ऐसे समझ रहे हैं यार, जो इतने इंटेलेक्चुअल सोच समझ के वो बात करने वाले उस पद के ऊपर है। चलो कोई ना, जितना जिस इंसान के पास नॉलेज होती है वो वहीं पर उतना ही डिजर्व करता है और उनको वो मिला हुआ है, जो कमेंटबाजी करने वाले हैं वो उनको उतना ही मिला हुआ है जितने उनके पास समझ है। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।